जानिए आज यानी 26 अगस्त का राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप अपने दैनिक राशिफल के बारे में जान सकते हैं। यह आपको आपके दिन में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार करती है। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का राशिफल। मेष राशि, बड़ों के आशीर्वाद के साथ अपने दिन की शुरुआत करने से रुके हुए काम पूरे होंगे। गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है। घरेलू परेशानियां आपको तनाव दे सकती है। वृषभ राशि, आज का दिन व्यापारियों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज व्यापार के मामले में लाभ की उम्मीद की जा सकती है। बेफिजूल के खर्चों पर काबू रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि, जीवन साथी के साथ अनबन होने की आशंकाएं हैं। आपसे मनमुटाव के चलते आप अपने पूरे परिवार को तनाव दे सकते हैं, इसलिए अपने आप पर काबू रखें। कर्क राशि, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में आज आप अपने बॉस की तारीफें बटोरेंगे। माता पिता के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करें, इससे आर्थिक लाभ होगा और तनाव कम रहेगा। सिंह राशि, आज आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री होगी जो आपके पूरे दिन को यादगार बनाएगा। निवेशकों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि, आपकी सकारात्मक शक्तियां आपके चारों ओर खुशियां फैलाएंगी। नया कारोबार चालू करने का यह अच्छा समय है। परिवार वालों के साथ जुड़ने से कई फायदे होंगे। तुला राशि, आज के दिन की शुरुआत आपको किसी प्रेरक किताब से करनी चाहिए जो आपके मन को शांत करने में फायदेमंद साबित होगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, आज आपको उदासी महसूस हो सकती है और इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें। स्वास्थ्य संबंधित पुरानी परेशानियां दिक्कतें दे सकती हैं। धनु राशि, दिन की शुरुआत बेहद निराली रहेगी। कुवारों के लिए आज का दिन बेहद खास है और उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री होने वाली है। मन को शांत रखने के लिए रुके हुए कार्य को पूरा करें। मकर राशि, आज आप सुस्त महसूस कर सकते हैं लेकिन आपका साथी आपके दिन को संवारने में मदद करेगा। भावनाओं को काबू में रखने से फायदा होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन मिलेगा और बिजनेस में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान करने से करें। मीन राशि, आज आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और बेफिजूल की चिंता आपकी पूरे यात्रा को खराब कर सकती है। ऑफिस के कार्यों के कारण आप तनाव में रहेंगे। यात्रा के दौरान किसी गरीब को खाना बांटने से फायदा होगा।